तो इससे जो है आपकी बकायदा, वन सेकेंड, हाँ, तो आपकी जो वैल्यू है वो 0.2847 है, ये प्रोबेबिलिटी। तो 0.2847, ठीक है, तो 50 इंटू 0.2847 ये हो गया 14.235, ठीक है। अब ये 14.235 को इसकी ही प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और वही e की पावर -0.02 होगा, और इस तरीके से आपका 13.96 आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, इसी तरीके से हमको कैलकुलेशन करना है, चार डिजिट में आप लो इसको, नंबर्स को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास ये पर्टिकुलर इसके आंसर्स हैं, इन द सेंस आपके सब सेपरेट एक सॉल्यूशन बुक है, वो सॉल्यूशन बुक से आपको समझ में आ जाएगा, उसमें थोड़ा सा तरीका अलग है, तो इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, और इस तरीके से भी आंसर आ रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला है, ये भी एक स्टेप है जो हमको करने की देती है, ठीक है। तो एक बार जो है और क्वेश्चन से करते हैं, तो चलो इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन और है, वो एग्जाम्पल से वो देखते हैं। सी कॉल ऑप्शन पे, जैसे कि करंट मार्केट प्राइस है हमारा 500, ठीक है, एक्सरसाइज प्राइस हमारा 510 है। अब 600 हो गया और 400 हो गया, तो वैल्यू ऑफ कॉल तो आपको पता है कि एक का 90 रहेगा और दूसरे का 0 रहेगा, क्योंकि कॉल ऑप्शन है। प्रोबेबिलिटी में एक का पी, एक का 1-p रहेगा। अब पी 1-p दे के तो नहीं रखा, तो निकालना पड़ेगा, तो किस तरीके से निकालेंगे। सी आर माइनस डी डिवाइड बाई यू माइनस डी। अब आर माइनस डी और डिवाइड बाई यू माइनस डी, अब 1.10, ये 10% है ना, एज्यूम करो इधर 1.10 करके कैलकुलेशन करना है। थोड़ा सा ईजी मैं आपको एक प्रोसेस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो 1.10 माइनस डी क्या होगा, 400 डिवाइड बाई 500, ठीक है, हो गया 0.8। तो 1.10 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय 600 डिवाइड बाय 500, 1.2 माइनस पॉइंट माइनस 0.8, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितना हुआ, 1.10 माइनस 0.8 0.3, और 1.2 माइनस 0.8 ये है 0.4। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी जो हुई वो ही 0.75। तो 90 का 0.75 और 0 का 0.25, तो 90 का 0.75 करा तो ये आया 67.5। ये 67.5 हमारा वैल्यू ऑफ कॉल है, पर हमको जो है बकायदा इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, सिंस कॉल जो है एक महीने का है, ठीक है, एक साल का है, तभी हमने वैसे 1.10 लिया था, अदरवाइज़ हम इसको टाइम से एडजस्ट करते। तो 67.5 को डिवाइड बाय 1.10 करा और 61.3736 आया, ठीक है। इस तरीके से आंसर 61.36 आया। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। भाई मार्केट प्राइस कितना है, 1000, अपर है 1300, लोअर है 900, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस कितना है, एक्सरसाइज प्राइस है 1100, ठीक है। अब देखो रेट क्या है, 8% कंपाउंड सेमी एनुअली, 8% कंपाउंड एनुअली, 8% कंपाउंड कंटिन्यूसली। तो देखो 1000 है, 1300, 900, चलो ठीक है, वैल्यू ऑफ कॉल निकाले तो 200 रहेगा और एक का 0 रहेगा, फिर पी और 1-p। अब पी निकालना है, ठीक है, पी निकालते सीखना है। पी है आर माइनस डी अपॉन यू माइनस डी। अब हमारा आर क्या है, अब आर देखा जाए 8%, पर 6 महीने, तो देखो ना कंपाउंड सेमी एनुअली है, तो ये 4% हो जाएगा, ठीक है, पर 8% है, अगर कंपाउंड एनुअली है, ठीक है, तो ऐसे केस में 8^(1/2) होगा, और 8% कंपाउंड कंटिन्यूसली है, राइट, तो e की पावर 0.08, e की पावर 0.08 इंटू 6/12 e की पावर 0.04 होगा। और इस तरीके से अगर हम बात करें तो एक का है 4%, ठीक है, तो होगा 1.04। मैं अभी ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जब भी परसेंटेज दे के रखे हमको 1 पॉइंट में यूज़ करना है, जबकि क्वेश्चन में परसेंटेज दे के रख रहे हैं तो हम e की पावर rt यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इधर 1.08, ठीक है। अब 1.08 की पावर 6/12, ठीक है, तो 1.08 का रूट है ना, का रूट तो है 1.0392, और एक है e की पावर 0.04, तो 0.04 डिवाइड बाय 4096 प्लस 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1.0408। तो इस तरीके से तीन आर आते हैं, ठीक है। अब हम प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो समझो जब कंपाउंडिंग 6 महीने की ही है, ठीक है,
तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? आर माइनस डी डिवाइड बाई यू माइनस डी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आर क्या है? 1.04 माइनस डी 0.9, यू क्या है? 1.3 माइनस 0.9, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आई 0.35, ठीक है। दूसरे का देखते हैं, आर माइनस डी यू माइनस डी, तो 1.0392, और डी क्या है? डी क्या है? 0.9, ठीक है। तो तीनों केस में आपने प्रोबेबिलिटी निकाली, एक का आई 0.35, एक का है 0.3475 मतलब 0.348, और एक का 0.352। तो प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली है, बस आपको सब मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरीके से आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करके आपको प्रेजेंट वैल्यूज करनी है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, ठीक है। अब देखो, अब हम इधर आ गए हैं और इस पर अब हम क्वेश्चन करते हैं एक और। ओके, अ कॉल ऑप्शन वापस आया, इसकी एक्सरसाइज प्राइस 26,000, ठीक है। तो थ्री मंथ का कॉल ऑप्शन है, एक्सरसाइज प्राइस 26,000 है, ठीक है। और इज बीइंग ट्रेडेड एट अ प्रीमियम, ओके एक मिनट, कॉल ऑप्शन ऑफ गोल्ड विद एक्सरसाइज प्राइस 26,000, ये ट्रेड हो रहा है 1010 के प्रीमियम पे। एक्सपेक्टिंग डेट थ्री मंथ टाइम स्पॉट प्राइस माइट चेंज टू 27,300, वन सेकेंड। तो देखो इधर जो है, अगर आप देखो, ओके तो इन्होंने ना पूरी सिचुएशन बता दी, कंपाउंडिंग रेट भी बता दिया। सिंपल कंपाउंडिंग इस 12% बोला है, सिंपल कंपाउंडिंग। अब जब सिंपल कंपाउंडिंग इस 12% बोला है, तो ऐसे केस में फिर 1+i ले लेना, ई की पावर आरटी मत करना। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो इनका करंट प्रीमियम है 1010 जो उन्होंने रखा, वो क्या जस्टिफाइड है कि नहीं है? तो ऐसा करो, आप पहले वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकालो, ठीक है। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन के लिए बद्दी बात है कि सबसे पहले देखो एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 26,000 ही है, राइट। तो इधर मतलब कि मार्केट प्राइस भी 26,000 है और एक्सरसाइज प्राइस भी 26,000 है। तो इधर लिख लेना कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे करंट मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस दोनों सेम है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा आप एक्सरसाइज प्राइस लोगे, ठीक है। एक नंबर बिलो और एक नंबर अपर होना, ये हम मार्केट प्राइस से देखते हैं। तो देखो इधर हमने लिख लिया कि एक सिचुएशन थी जहाँ पे मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस सेम था, तो पे ऑफ हमारा 1300 आया एक का, और एक का तो जीरो ही रहेगा। और प्रोबेबिलिटी, अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, वो क्या होगा? आर माइनस डी डिवाइड बाई यू माइनस डी, ठीक है। सबसे पहले आर यू डी निकाल लो। ध्यान रखना कि आपका जो कॉल है वो 3 महीने का है, तो आर भी आपको 3 महीने का निकालना है, और सिंपल कंपाउंडिंग है, ठीक है। तो सी, ऐसे केस में जब आपने आर माइनस डी और यू माइनस डी करा, क्योंकि आर आपका 1.03 आया, यू आपका 27,300 डिवाइड बाई 26,000, और डी आपका 24,700 डिवाइड बाई 26,000, ठीक है। 80% आपका जो है प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो 13,000 × 0.80 ये आपका आया 10,400। अब ऑब्वियसली बात है कि डिवाइड बाई 1.03 करोगे डिस्काउंटिंग करने के लिए, तो 10,097 आ रहा है। सो आपकी प्राइस है कॉल ऑप्शन 10,097 पर, यू कॉल ऑप्शन ये कितने का है? 1,009.7 आ रहा है, और ये 1,010 है, तो प्राइस ऑफ ऑप्शन तो जस्टिफाइड है। ज़्यादा होता तो आप ये बोलते कि यार ये तो महंगा है, मैं तो नहीं लेने वाला। चलो तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सी, ओके, सुमन वांटेड टू बाय शेयर्स ऑफ EIL विच हैज़ अ रेंज 411 to 592, ठीक है। अ मंथ लेटर, ठीक है, ओके, विच हैज़ रेंज ऑफ 411 to 592। अ मंथ लेटर द प्रेजेंट प्राइस, मतलब कि 421 एक प्रेजेंट प्राइस है, एक कम है 411 और एक है 592। चलो, हर ब्रोकर इन्फॉर्म हर डेट अ प्राइस ऑफ दिस शेयर कैन सोर अप टू 522 विद इन अ मंथ और सो डैट शी कुड बाय अ 1 month कॉल। कि ऐसा करो ना, तुम 1 महीने का कॉल ले लो। इन ऑर्डर टू बी प्रूडेंट इन बाइंग द कॉल, शेयर प्राइस शुड बी मोर देन और एटलीस्ट 522, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू बी प्रूडेंट, कि यार जो मैंने कॉल लिया है वो सही हो, मतलब कि प्रूडेंट रहे, तो मतलब एक तरीके से ये एक्सरसाइज प्राइस बता दी 522। द एश्योरेंस ऑफ विच कुड नॉट बी गिवन बाय हर ब्रोकर, ऑब्वियस बात है कि वो तो नहीं रहेगा। दो शी अंडरस्टैंड द अनसर्टेनिटी, उसको पता है क्या रहती है अनसर्टेनिटी, बट शी वॉन्ट टू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेनिंग द शेयर प्राइस ऑफ 592। क्या प्रोबेबिलिटी इसकी क्या रहेगी 592 शेयर प्राइस अचीव करने की, ठीक है। सो दैट बाइंग ऑफ अ 1 month कॉल एट द एग्जीक्यूशन प्राइस ऑफ 522 जस्टिफाइड रहे। तो आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इंटरेस्ट 3.6% दे के रखा है,
और e की पावर 0.036 आपको दे के रखा है। सी अब कॉल तो एक महीने का ही है, ठीक है। अब देखो, अगर आप देखो तो इधर लिखा है टेक द रिस्क फ्री इंटरेस्ट टू बी 3.60 और e की पावर 0.036 दे के रखा है। सी ये जो 3.60 है, इधर ये नहीं बोल के रखा है पर एनम, ऐसा कुछ भी नहीं बोल के रखा है। तो इधर इन्होंने जो है इसको उतने ही महीने का माना, एक महीने का ही माना। तो 1.037 माइनस डी, मतलब आर माइनस डी करते हैं ना, राइट। तो 411 डिवाइड बाय 421 ये हो गया हमारा डी, माइनस 0.976, राइट, डिवाइड बाय यू माइनस डी। यू क्या है? 592 डिवाइड बाय 421, 1.406 माइनस 0.976, ये हुआ 0.430, ठीक है। तो ये हो गया 0.1412, ठीक है, राइट। तो ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन बड़ा लग रहा था पर है तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी का ही, राइट। चलो अब स्पॉट प्राइस 60 है, 1 ईयर यूरोपियन कॉल, स्पॉट प्राइस इतना 60, ठीक है, ये 60। 1 ईयर यूरोपियन कॉल ऑप्शन इज बीइंग कोटेड इन द मार्केट। यूरोपियन कॉल ऑप्शन का मतलब होता है कि हम पहले एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अमेरिकन कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि भले ही कॉल की एक्सपायरी है पर्टिकुलर डेट, उसके पहले भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो 1 ईयर यूरोपियन कॉल ऑप्शन जो कोटेड इन द मार्केट है, उसका ऑप्शन प्रीमियम है 15। देखो प्रीमियम बता के रखा है 15। कल को आपसे ये नहीं पूछ ले कि देखो सही प्रीमियम चार्ज करा है कि नहीं करा है, पर जो भी है स्पॉट प्राइस 60 है, प्रीमियम है 15, एक्सरसाइज प्राइस है 55, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 12% पर एनम। अब जो स्टॉक है वो या तो बढ़ सकता है या तो कम हो सकता है। इफ़ इट कैन फॉल बाय 30%, बाय व्हाट परसेंटेज इट कैन राइज। तो अगर ये 30% से गिर रहा है, ठीक है, तो बाय व्हाट परसेंट इट कैन राइज। जी थोड़ा सा ट्रिकी है ना क्वेश्चन, देखो क्या लिखा हुआ है भाई। आपको जैसे हम वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकालते हैं और इस तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं, है ना। आपको वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकाल के दिया है 15, चलो ठीक है। अब ऐसा है कि स्पॉट प्राइस भी 60 है और बोला है कि इट कैन फॉल बाय 30%, ये 30% गिरा, ठीक है, और एक्सरसाइज प्राइस 55 है, ठीक है। तो आपको ऊपर वाला तो कुछ पता नहीं आपको, और आपको ना तो उसकी प्रोबेबिलिटी पता है, पर नीचे वाला आपको पता है डाउनसाइड। पर वो डाउनसाइड जो है आपको उसका कोई मतलब ही नहीं है। डाउनसाइड को तो कोई आपको मतलब रहेगा नहीं, क्योंकि आप कॉल तो एक्सरसाइज करोगे नहीं, राइट। डाउनसाइड का आपको कोई मतलब नहीं है, तो 1-P का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, डिवाइड बाय आर, ठीक है, और आपका 1.12 रहेगा आर, क्योंकि ये जो है आप मानो कि एक साल का ही है, तो डिवाइड बाय 1.12 इन द सेंस कि 15 इज इक्वल टू UVC इंटू P डिवाइड बाय 1.12, राइट। अब जो P होता है वो होता है आर माइनस डी डिवाइड बाय यू माइनस डी, ठीक है। सी सो सी समझो हमारी इक्वेशन क्या आई थी, 16.8, ठीक है, इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है, वैल्यू मतलब ऑप्शन पे ऑफ कि कभी ऊपर का रहा, ठीक है, मार्केट प्राइस ऊपर रहा तो कॉल ऑप्शन हमको बेनिफिट क्या रहेगा, मल्टीप्लाई बाय पी, ठीक है, और डिवाइड बाय, ठीक है, 1.12 करना था, पर हमने 1.12 को इससे मल्टीप्लाई करते हुए हमारा तभी 16.8 आया था। तो UVC जो होता है ये वो होता है कि जब कॉल की वैल्यू अपर कॉल हो, ठीक है, मार्केट प्राइस ऑप्शन से ऊपर चले गया हो, तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, और पी आ गया। तो 16.8 इज इक्वल टू UVC जो हमारा है वो एक तरीके से है क्या कि कल को हमारी मार्केट प्राइस एक्स रही, जो कि हमको नहीं पता है, तो एक्स माइनस 55, मेरा एक्सरसाइज प्राइस मेरा 55 है ना, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? आर माइनस डी डिवाइड बाई यू माइनस डी। तो एक तरीके से 16.8 इजिकल टू एक्स माइनस 55 इंटू, ठीक है, एक्स माइनस 55 तो ये हो गया, इंटू प्रोबेबिलिटी आर माइनस डी। आर क्या है हमारा 1.12, डी क्या है 0.7, पर हमको यू नहीं पता यू क्या है, तो यू को क्या लोगे, एक्स डिवाइड बाय 55। ये आपने लिया एक्स माइनस 55 और यू माइनस डी में आपने यू लिया एक्स डिवाइड बाई 55, और ऑब्वियस ही बात है कि एक्स डिवाइड बाई 60 सॉरी एक्स डिवाइड बाई 55 नहीं, एक्स डिवाइड बाई 50, क्योंकि हम यू में क्या करते हैं, अपर मार्केट प्राइस डिवाइड बाई लोअर मार्केट, अपर मार्केट प्राइस डिवाइड बाई करंट मार्केट प्राइस, राइट। तो हो गया एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई 60 माइनस डी, और डी हमारा 0.7 है। और अब आपकी इक्वेशन हो गई 16.8 इक्वल टू एक्स माइनस 55, ये जो ये है
इनटू आर माइनस डी डिवाइड बाई यू माइनस डी जो है 1.12 माइनस 1.7 ये हो गया आर माइनस डी डिवाइड बाई यू माइनस डी, यू है एक्स बाय 60 माइनस 0.7। और इस तरीके से आप x के लिए सॉल्व करोगे तो x आएगा आपका 81। और जब x आपका 81 आया है ठीक है, तो एक तरीके से 21 बढ़ा है 60 में। जब घट रहा है तो 30% घट रहा है अगर आप देखो तो ठीक है, और जो बढ़ रहा है तो 21 बढ़ रहा है, और इसे केस में जो है 35% का राइज है। तो देखो इस तरीके से जो है हमने कैलकुलेशन करा, और सिंस ये क्वेश्चन अच्छा था एक्स के लिए हमको सॉल्व करना था तो हमने करा, और इसको हमने रिकॉर्ड इसको हमने जो है अपने नोट्स में भी इनकॉर्पोरेट करा कि कल को हम जो है ये कर पाए। बाद में एक सिंपल कंपाउंडिंग वाली नोटिंग अपन ने करी थी क्योंकि हम हर बार 12% को ई की पावर, हम ई की पावर में ही सब ले रहे थे, पर इधर सिंपल कंपाउंडिंग दे के रखा है तो हमको 1+i लेना पड़ेगा राइट। और फिर एक क्वेश्चन ऐसा पड़ा था जबकि हम वैल्यू ऑफ कॉल निकाल रहे थे और प्रीमियम से कंपेयर कर रहे थे, फिर ये देख रहे थे कि वो जस्टिफाइबल है कि नहीं है। अब बताते हैं मल्टी पीरियड, देखो क्या थी बात, टू पीरियड बाइनोमियल मॉडल जो अपने आप में जो है एक अच्छा बड़ा लंबा कंसेप्ट है, पर टू पीरियड बाइनोमियल मॉडल में काफ़ी हद तक रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच वाला कंसेप्ट वर्क करेगा। टू पीरियड बाइनोमियल मॉडल ऐसा होता है कि अभी हम ये समझते हैं कि ऑप्शन जो है एक्सरसाइज होता है इसकी मैच्योरिटी डेट पे राइट। तो देखो अब हमारा ये मानना रहता है और हम यही करते हैं कि एक्सरसाइज डेट पे ऑप्शन जो है एक्सरसाइज होगा। अब पॉइंट ये है कि जब अमेरिकन ऑप्शन होता है ना तो इसके पहले भी अगर ऑप्शन बेनिफिशियल होता है तो हम ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब कि भले ही एक साल का ऑप्शन हो, वैसे होता नहीं है, पर अगर 6 महीने में एक्सरसाइज करना तो 6 महीने में भी कर सकते हैं। और यही फीचर जो है अमेरिकन ऑप्शन का होता है, यूरोपियन का नहीं होता, या अमेरिकन का ऑप्शन का फीचर होता है कि आप पहले भी इसको एक्सरसाइज कर सकते हो। और इस तरीके से जो है फिर टू पीरियड बाइनोमियल मॉडल आ जाता है कि आपका एक एक्सपायरेशन डेट पे वो तो है ही, तब आप तो प्राइस निकालोगे, जो आप वैल्यू निकाल रहे हो तब उस टाइम पे तो निकालोगे, पर अगर उसके पहले आपको बेनिफिशियल लगा तो उस टाइम पे भी निकालोगे राइट। तो एक तरीके से रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच आपको 2-3 बार लगाना है ठीक है। और मैं मल्टी पीरियड नहीं बोल रहा हूँ, मैं टू पीरियड बोल रहा हूँ ठीक है, 2 से ज़्यादा पीरियड भी हो ही सकते हैं ऑब्वियस सी बात है। और इनफैक्ट क्या हर टाइम पे हम देख सकते हैं, हर दिन चेक कर सकते हैं, हर घंटे चेक कर सकते हैं, पर पॉइंट ये है कि एकेडमिक्स में अपने को सिर्फ 2 पीरियड देके रखा है, तो हम 2 पीरियड वाले क्वेश्चन करेंगे। 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल की बात आती बात पुट कॉल पैरिटी की, पुट कॉल पैरिटी पे वैसे कोई क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन है पर वो भी डिजाइंड क्वेश्चन है, तो हम जो है उसके बाद ब्लैक स्कोल्स मॉडल या और डेल्टा हेजिंग भी बचा हुआ है वो भी हम करेंगे चलो ठीक है। तो कंसिडर अ 2-ईयर अमेरिकन कॉल ऑप्शन, समझ में आ गया अमेरिकन कॉल ऑप्शन क्यों बोला है। तो क्या बोल रहे हैं कि कंसीडर अ 2-ईयर अमेरिकन कॉल ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस 50 है, स्ट्राइक प्राइस पूरा डायग्राम वैसा का वैसे ही बनाना है, बनाओ ठीक है, एक ट्री बनेगा पर बनाओ। तो स्ट्राइक प्राइस 50 है ऑन अ स्टॉक द करंट प्राइस ऑफ विच इज़ ऑल्सो 50, और स्टॉक का प्राइस भी 50 है, और हमको तो स्टॉक का प्राइस मैटर करता है, वैल्यू ऑफ कॉल निकालना हो तो फिर हम एक्सरसाइज प्राइस का उपयोग करते हैं। अब एज्यूमिंग दैट देर आर 2 टाइम पीरियड जो मैंने आपको बोला था एक साल में, इन ईच ईयर द स्टॉक प्राइस कैन मूव अप और डाउन, ऑब्वियसली बात है कि वो 20% से हर टाइम पीरियड में ऊपर बढ़ सकता है और नीचे गिर सकता है। तो पहले हम इक्वल परसेंटेज से बढ़ा देते हैं कि 50 का 20% हमने करा तो वो 60 हो गया ठीक है, और नीचे गिरा तो 40 हो गया, ये हो गया हमारा 20% ठीक है, ये हमारा 20% इंक्रीज पे। फिर बात आती है कि एट ईच ईयर क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम एंड इन ईच ईयर द स्टॉक प्राइस कैन बी मूव डाउन अप और डाउन बाय इक्वल परसेंटेज। अब वापस से जो है 60 भी जो है वो 72 हो सकता है, और नीचे जाएगा तो 48 होगा, 40 भी अगर ऊपर जाएगा तो 48 होगा, नीचे जाएगा तो 32 होगा ठीक है। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट जो है RF 6% है। यूजिंग बाइनोमियल ऑप्शन मॉडल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस मूविंग अप एंड डाउन, तो एक बाइनोमियल ऑप्शन को यूज़ करके कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस मूविंग अप और डाउन ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, मतलब वही अप की प्रोबेबिलिटी, डाउन की प्रोबेबिलिटी, 60 की प्रोबेबिलिटी, 40 की प्रोबेबिलिटी, तो यही तो हम कैलकुलेट करते हैं रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच में ठीक है। ऑल्सो ड्रॉ अ 2-स्टेप बाइनोमियल ट्री इंडिकेटिंग प्राइजेस, तो एक 2-स्टेप बाइनोमियल ट्री बनाओ जहाँ पे प्राइजेस आप बता रहे हो ठीक है, प्राइजेस तो आपने बता दिया, एंड पे ऑफ एट ईच नोड, हर नोड पे आपको पे ऑफ बनाना है। तो एक तो होता है इंसेप्शन नोड ए, एक होता है दूसरा नोड 60 पे, और तीसरा नोड है हमारा 40 पे। तो ईच नोड पे जो है इंडिकेट करो इंडिकेटिंग प्राइजेस एंड पे ऑफ ठीक है। तो प्राइस तो आपने इंडिकेट कर दिया, अब ये 20% से जो बढ़ाना है जो भी है, पर पे ऑफ भी इंडिकेट करना है।
और पे ऑफ निकालना है तो ऑब्वियस ही बात है कि वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन की बात करें इन द सेंस पे ऑफ में, पर ठीक है हम जब इवेंचुअली क्वेश्चन करेंगे तो हम पे ऑफ भी निकाल पाएंगे। टू स्टेप बाइनोमियल ट्री में क्या होता है कि सबसे पहले हमें जो है पीछे से कैलकुलेट करना है, ठीक है, पीछे से मतलब कि यहाँ से ए से जाना है, ए से नहीं जाना है, ए से जाना है, ठीक है। अब ए से जाओगे तो 60 और 40 तो सेम ही पैरेलल लाइन पे ही है ना, तो आप 60 40 में से कोई सा भी एक ले सकते हो, नोड बी या सी कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हो। तो चलो ऐसा करते हैं कि नोड बी पे वैल्यू निकालते हैं कॉल ऑप्शन की वैल्यू। और सिंस 6-6 महीने का टाइम पीरियड है, देखो क्या लिखा हुआ है, 2 ईयर, ओके 2 ईयर देख रखा है ना, तो 2 साल का है सी, तो आर माइनस टी देखो 12 × p करा, ठीक है 12 × p और 0 × 1 - p क्योंकि ऊपर जाएगा तो 12 का बेनिफिट है, नीचे जाएगा तो कोई कॉल ऑप्शन की वैल्यू रहेगी ही नहीं। एक चीज़ का ध्यान रखना जो हमने ब्लंडर करा है वो आपको नहीं करना है, जो मैंने आपको बोला कि 60 का हो जाएगा 72 या 40 है, ठीक है, तो ऐसे केस में जब 60 का 72 होगा तो जो वैल्यू ऑफ कॉल है, ठीक है, वैल्यू ऑफ कॉल मतलब आप पे ऑफ जब निकालोगे तो 12 मत करना, 22 होना, 12 नहीं होगा। आप आर माइनस डी यू माइनस डी तो कर चुके हो, अब जब आर माइनस डी यू माइनस डी आप करोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि आर तो आपको पता है, चलो 1.06, डी जो रहेगा डी तो ऐसे ही रहेगा 48/60, तो डी तो ऐसे ही होगा तो आर माइनस डी यू माइनस डी तो इसी तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, पर जब आप कॉल ऑप्शन में जब अपसाइड जाएगा तो जैसे 72 है राइट, तो इधर आप 22 लोगे इंस्टेड ऑफ 12 लेने के, तो चलो 22 है, ठीक है 22 × 0.65, ठीक है, और डिवाइड बाय 1.06, तो देखो आपकी जो वैल्यू आएगी, आपकी जो वैल्यू आएगी नोड बी में वो आएगा 13.49, पहले आएगा 13.49, पर समझो आपका जो पे ऑफ ये आपका तो आया वैल्यू, ठीक है 13.49, पर अगर आप देखो तो 50 से बढ़ा है 60 पे, तो कायदे से तो 10 होना चाहिए, पर जब आप पीछे से कैलकुलेट करो, इन द सेंस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हो तो दिख रहा है 10, पर जब बैकवर्ड आ रहे हो तो दिख रहा है 13.49, तो आप ऐसे कैसे 13.49 लोगे, ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा बेनिफिट लोगे ना अपने आपको। अब ये हो गया नोड बी का कैलकुलेशन, कर लो ऐसे कैसे नोड सी का कैलकुलेशन, ठीक है नोड सी में क्या है, अब इधर जैसे 48 पे जा रहा है राइट, इधर 48 पे जा रहा है, तो 48 और 50 आप वैसे भी नहीं लोगे और 32 में भी वैसे भी नहीं लोगे, आप कुछ भी नहीं लोगे इसमें, तो मतलब कि इधर तो दोनों डाउनवर्ड ही है राइट। अगर ये 50 से भी ऊपर होता तो मैं उसको एक्सरसाइज करता, मैं तो इधर एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा तो 0 आ रहा है और मेरा यू भी 0 ही है, ठीक है। तो नोड बी इन द सेंस कि अगर नोड बी है तो अच्छा ओके, नोड सी तो मेरा 0 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अपवर्ड मैं एक्सरसाइज करूँगा पर अपवर्ड दे के नहीं रखा है, और जो मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा उसकी वैल्यू दे के रखी है, तो नोड सी हमारा 0 आ गया। अब आती बात नोड ए की, तो जब नोड ए की बात आती है तो आप क्या करोगे, ये रहा अपवर्ड, तो देखो ये रहा अपवर्ड, तो आप लिखोगे 10, आप पहले पे ऑफ लिखोगे ना 10, और ये तो आप एक्सरसाइज नहीं करोगे। अब पॉइंट ये आता है कि क्या आप 10 लोगे कि 13.49 लोगे, तो आप इधर 10 नहीं लोगे राइट, तो यही हमारा कैलकुलेशन बैकवर्ड से, जीता ये है 13.49, तो ऐसे केस में आप लोगे 10 नहीं 13.49, तो आपने 13.49 लिया, और ऑब्वियस ही बात है कि आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की है, और प्रोबेबिलिटी आर माइनस डी और यू माइनस डी होता है, हमने इधर आर माइनस डी यू माइनस डी लिया, इसमें भी ग्रोथ 20% थी, इधर भी आर माइनस डी यू माइनस डी करेंगे क्योंकि ग्रोथ 20% ही है, तो प्रोबेबिलिटी में अंतर आएगा नहीं, तो 0.65 हमारा रहेगा, और 13.49 × 0.65 / 1.06 करो और इस तरीके से 8.27 आ जाएगा राइट। तो हो गया आपका बहुत ही ईजी तरीके से मल्टी पीरियड बाइनोमियल मॉडल का क्वेश्चन हो गया। पर हाँ क्वेश्चन में ये पूछ रहे थे कि 2-स्टेप बाइनोमियल ट्री बनाओ जिसमें आप ऑप्शन प्रीमियम भी ईच नोड पे बताओ, जिसमें प्राइस भी इंडिकेट हो, तो आपने प्राइस तो इंडिकेट कर दी हर जगह, अब ऑप्शन प्रीमियम की बात आती है, तो ऑप्शन प्रीमियम का मतलब ये है कि भाई 13.49 10 जो भी आप चूज़ कर रहे हो, जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपका फाइनल बी जो निकला वो बी आपका 10 थोड़ी ना निकला, तो ऐसे केस में आप इधर लिखोगे 13.40, इधर लिखोगे 0, ये आपका निकलेगा ऑप्शन पे ऑफ, ठीक है। और इस तरीके से मल्टी पीरियड का अपन ने क्वेश्चन करा, लर्निंग ये थी कि यू और डी तो चलो हमने इस फिगर से कैलकुलेट कर लिया, बट जब वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, तो अपवर्ड वैल्यू पे जो मेरा पे ऑफ निकलता है वो पे ऑफ के लिए मेरे को ये यूज़ करना है राइट, उसके लिए मेरे को ये यूज़ करना है। एक और क्वेश्चन है आखिरी 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल का, ठीक है, कि ऑन 1/4/2005 ई के शेयर की प्राइस थी 600 राइट, शेयर की प्राइस कितनी थी 600,
ओके लिखा हुआ है कि इन थ्री मंथ प्राइस कैन गो अप बाय 10% और डाउन बाय 10%। ठीक है, ये 10% से बढ़ा, 10% से कम हुआ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इन थ्री मंथ। अब इन नेक्स्ट थ्री मंथ, अब ये इधर में जाएंगे, इधर में जाएंगे, तो 600 का 10% क्या हुआ, 660। ये आपका नोड हो गया बी, एक नोड है 600 पे, एक नोड भी हो गया 660 पे, और गिरा तो 540। ये हो गया नोड सी। अब 660 से बढ़ेगा तो 5%, गिरेगा तो 5%, तो ये हो गया 693, गिरेगा तो 5%, हो गया 627। 500, अब ठीक है, 540 में 5% बढ़ा तो 567, और 5% घटा 513। ये हो गया हमारा सी। अब हमको क्या करना है, पहले नोड बी पे कैलकुलेशन करना है। बस थोड़ा सा डेटा और देख लो कि द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारा 8% है। ठीक है, ये 8% है और कंटिन्यूसली कंपाउंडेड है, सिंपल कंपाउंडिंग नहीं है, तो हमको ई की पावर आरटी लेना है। ठीक है, और डिटरमाइन सिक्स मंथ कॉल एंड पुट एट स्ट्राइक प्राइस ऑफ 588। वो 588 आपका स्ट्राइक प्राइस है, अच्छा वो बता दिया, नहीं तो अदरवाइज हम 600 को ही स्ट्राइक प्राइस लेते। चलो मैं पहला मेरा कैलकुलेशन जो है वो नोड बी पे करता हूँ। नोड बी पे जो है सी 660 है। अगर मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज करूँ, ऊपर वाला ऊपर जाएगा। ठीक है, ये कॉल ऑप्शन ही है, राइट, ये कैसे समझ में आएगा। ओके, सिक्स मंथ कॉल दे के रखा ना, सिक्स मंथ कॉल, वन सेकेंड। हाँ, तो 693 माइनस 588 करूँगा, 105 आए, 105 इंटू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्लस 5, हाँ ओके, और एक हो गया 627 माइनस 588। ठीक है, 39, तो 39 इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, और जो भी है डिवाइड बाय क्या होगा, e की पावर rt। ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस i करना था, पर डिवाइड बाय e की पावर rt। और e की पावर rt कैसे कैलकुलेशन होगा कि हम जो है 3 महीने पीछे जाएंगे, क्योंकि 3-3 महीने का गैप है ना, तो हम 3 महीने का निकालेंगे, तो 8 इंटू 3/12। ठीक है, 3 महीने का 8 डिवाइड बाय 12 इंटू 3, तो ऐसा हो गया e की पावर 0.02। ठीक है, तो 105 इंटू पी प्लस 39, 1 माइनस पी, e की पावर 0.02। अब p क्या है अपना, p क्या है, p होता है r माइनस डी डिवाइड बाई यू माइनस डी। ठीक है, तब देखो r, r तो आप क्या लोगे, e की पावर rt। ठीक है, 1 प्लस आई लेते हैं, यू e की पावर rt लोगे। अब e की पावर 0.02 की वैल्यू क्या आपको देके रखी है, हाँ तो वो देके रखी 1.0202। तो 1.0202 माइनस डी 0.95, क्योंकि 5% कम हुआ, और u जो है हमारा 1.05, क्योंकि 5% बढ़ा था, माइनस 0.95। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आती है आपकी 0.702। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेट करके करते हुए देखते हैं, प्रोबेबिलिटी 0.702 है तो आपका आ रहा है 85.33। तो 85.33 को किससे कंपेयर करोगे, 85.33 वर्सेस 693 माइनस 588, तो 89.33 वर्सेस 105, तो आप 105 को चूज़ करोगे, क्योंकि वो आपका बेनिफिट है। ठीक है, 105। तो आपने बी का तो निकाल लिया प्राइस, 105 आ रहा है, तो ऐसे ही सी का भी निकाल लो। ठीक है, सी में भी किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, सी में भी यही रहेगा कि 588 के ऊपर तो कुछ है ही नहीं। अब सिंस 588 के ऊपर कुछ जा नहीं रहा है, तो मैं तो ये तो एक्सरसाइज करने से रहा। ठीक है, 588 के ऊपर कुछ नहीं आ रहा, तो मैं तो इधर तो ज़ीरो करूँगा, और डाउनवर्ड की वैल्यू देख के भी रखे तो कोई मतलब नहीं है। तो सी की वैल्यू ज़ीरो वर्सेस कितना, ज़ीरो वर्सेस ज़ीरो, तो नोट सी की वैल्यू तो ज़ीरो आ रही है एक तरीके से। फिर आती बात नोट ए की, तो एक का आ गया 105, एक का आ गया ज़ीरो। अब आप जो है नोट ए कैलकुलेट करो, और नोट ए में कैसे कैलकुलेशन होगा कि ये जो अपर वैल्यू है 105, 105 को मल्टीप्लाई करो पी से, प्लस डाउनवर्ड वैल्यू ज़ीरो उसको मल्टीप्लाई करो ठीक है 1-P से, कोई मतलब नहीं है, और डिवाइड बाय ई की पावर आर टी और ई की पावर 0.02। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से 1.0202 से डिस्काउंट कर लो। ठीक है, अब देखो जो प्रोबेबिलिटी है इस सिचुएशन में आर माइनस डी डिवाइड बाई यू माइनस डी, तो ऐसे केस में आर क्या है, आर आर है 1.0202 माइनस डी है 0.90, यू है 1.10 माइनस 0.90। ठीक है, तो हो गया हमारा कैलकुलेशन, करो प्रोबेबिलिटी निकालो। तो प्रोबेबिलिटी आपकी 0.601 है, इसको 105 से मल्टीप्लाई करा तो एक तरीके से 63
0.105 आया। तो इस तरीके से हमारा जो है टू पीरियड मॉडल रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच वाला कंसेप्ट ओवर होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम जो है ब्लैक स्कोल्स मॉडल पढ़ेंगे और डेल्टा हेजिंग करेंगे। ठीक है, बाय।